भरभराकर गिरते पुल का ये वीडियो पूरे देश ने देखा। बिहार के भागलपुर में रविवार को बन रहा एक पुल भरभराकर गिरा और नदी में समा गया। पुल के गिरने पर सवाल उठने लगे। अब इसे लेकर एक हैरान कर देने वाली जानकारी सामने आई है, जो हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। चौंकाने वाली जानकारी ये है कि जो कंपनी इस पुल को बना रही थी, उसको ही राज्य में 9000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट मिले हुए हैं। कंपनी का नाम है एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन। इससे पहले भी इस कंपनी के निर्माण पर सवाल उठ चुके हैं। एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी इससे पहले भी विवादों में रही है। ये कंपनी पहली बार जांच के दायरे में तब आई थी जब मई 2020 में पटना में सीएम नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी परियोजना लोहिया पथ चक्र के निर्माण के दौरान कंक्रीट स्लैब गिरने से 3 बच्चों की मौत हो गई थी। इस घटना में पूछताछ हुई, लेकिन बाद में क्या हुआ पता ही नहीं चला, क्योंकि निर्माण कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिलहाल एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी बिहार में 5 बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। कुल मिलाकर 9000 करोड़ से ज्यादा का काम है। ये प्रोजेक्ट 30 किलोमीटर से ज्यादा लंबे हैं। इनमें पुल और फ्लाईओवर शामिल है। अब हम आपको बताते हैं कि कंपनी किन किन बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। पहला ये कि ये कंपनी पटना में पुराने महात्मा गांधी सेतु के समानांतर नया महात्मा गांधी सेतु बना रही है। ये पटना को हाजीपुर और उत्तर बिहार से जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है। इसकी लंबाई 14 किलोमीटर है और 3000 करोड़ की लागत से इसे बनाया जा रहा है। दूसरा प्रोजेक्ट, पटना में जेपी सेतु के समानांतर ही पुल बनाया जा रहा है। ये पुल पटना के शेरपुर को छपरा के दिघवारा से जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है। इसकी लंबाई 14.5 किलोमीटर है और 3000 करोड़ की लागत से इसे बनाया जा रहा है। तीसरा प्रोजेक्ट, मोकामा में गंगा पर नया पुल बन रहा है। ये पुल ओटा और सिमरिया को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है। इसकी लंबाई 8 किलोमीटर है और 1200 करोड़ की लागत। चौथा प्रोजेक्ट, किशनगंज कस्बे में फ्लाईओवर तैयार किया जा रहा है। पांचवा यही भागलपुर वाला प्रोजेक्ट है, जिसे गंगा नदी पर बनाया जा रहा है। ये निर्माण करीब 3 किलोमीटर लंबा है और इस पुल की लागत 1717 करोड़ है। ये पुल रविवार को एक बार फिर ढह गया। इससे 2 साल पहले भी इसी पुल का एक हिस्सा ढह गया था। सीएम नीतीश कुमार ने 23 फरवरी 2014 को इसका शिलान्यास किया था। पुल के निर्माण का 80% काम भी पूरा हो चुका था। नवंबर में पुल के उद्घाटन की तैयारी थी, लेकिन उससे पहले ही ये धड़ाम हो गया। अब इस पूरे मामले पर सीएम नीतीश कुमार का क्या कहना है, जरा वो सुन लीजिए। भागलपुर में जो हुआ है, अभी कुछ समय पहले एक बार और हुआ था, तो उसी समय हमने कहा ऐसा क्यों हुआ है, और जबकि हम इसको बनाने के लिए हमने बहुत पहले तय किया था। हमने 12 में ही देखा, अब 14 से काम शुरू हुआ, अब जिसको भी दिया गया है एजेंसी, अब इतना देर क्यों हो रहा है। और एक गिर गया था तो उस समय भी हमने कहा था, एक साल पहले की बात है। अब फिर जब दो हो ये फिर गिरा है, कल ही हमको पता चला है, तो तुरंत हमने विभाग के सब लोगों को कहा कि जाकर के देख लीजिए और तुरंत एक्शन लीजिए। ये कोई तरीका नहीं, अब तक तो हो जाना चाहिए था ना जी। बहुत हो गया है, देर हुआ है, तो काहे के लिए ऐसा कोई होता है, एजेंट कोई बना रहा है, इतना देर क्यों कर रहा है। उसको बड़ा तकलीफ हुआ, इसलिए हमने कह दिया कि उसको तत्काल देखिए, और ठीक नहीं बना रहा तभी ना गिर जा रहा है भाई। इसका मतलब उसको तो और मजबूती से बनना चाहिए था, बन करके और तैयार हो जाता, लोगों को कितनी खुशी थी। हम कितना पहले जा करके एक एक चीज को देख करके कराए हुए, लेकिन जो नहीं हुआ हमको बड़ी तकलीफ। अब सीएम के इस बयान के बाद देखना होगा कि इस मामले को लेकर जिम्मेदार लोगों पर क्या एक्शन लिया जाता है। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ तक।